समाजवादी पार्टी को छेड़ो मत, टोटी का रोजाना आप जिक्र करते हो ना, आज बता दे रहा हूँ, जवाब सुन लो, उस टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से निकलेगा आपके पानी। शांत बदतमीज आदमी, पहले अपनी औकात और हैसियत जान के बात किया करो, छेद गिनने का इतना शौक है तो जाके यादव परिवार के गिनना। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है भाजपा की प्रवक्ता गौरव भाटिया और सपा की प्रवक्ता मनोज यादव के बीच में। ये दोनों प्रवक्ता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते समय अचानक व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगा, फिर डिबेट में छिड़ गया जुबानी जंग, अंत में तो गौरव भाटिया ने कमाल ही कर दिया। वो सीन देखने के लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा, एंड वीडियो अंत तक देखने के बाद वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। निश्चित तौर पे जो आपके सवाल हैं वो बड़े मौजू से सवाल हैं कि प्रधानमंत्री जी का भाषण इतना ओजस्वी, इतना बेहतरीन भाषण रहा कि विपक्ष के पास तो कुछ नहीं बचा, विपक्ष करे तो क्या करे, यही कुछ ऐसा बन रहा है। मोदी जी, अगर आपको ऐसा लगता है, प्रधानमंत्री हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष हार गया, विपक्ष खत्म हो गया, तो आपको नीतीश जी को बैरंग वापस भेज देना चाहिए। अगर आप एक बेहतरीन राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, अजीत पवार को सत्ता में नहीं जेल में होना चाहिए। अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा, वॉशिंग मशीन का नाम ले लिया उन्होंने, उस वॉशिंग मशीन का जिसका बटन वो हर हफ्ते या हर महीने दबाते हैं और क्या करते हैं, क्लीनिंग। कितना है? 70,000 करोड़ क्लीनिंग। कितना है? 50,000 करोड़ क्लीनिंग। कितना है असम का? 10,000 करोड़ क्लीनिंग। उसका उस वॉशिंग मशीन का बटन तो मोदी जी दबाते हैं, तभी तो वो क्लीन होके बाहर निकलते हैं। विपक्ष से इतना डर मोदी जी को, मैं पहली किसी देश के प्रधानमंत्री को देख रहा हूं जो विपक्ष से इतना घबराए हुए हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, और विपक्ष पे ही आरोप लगा रहे हैं तर्क। अच्छा ये बताइए, हम तो सत्ता में नहीं है, फिर आपको किस बात का खतरा है? और आप सदन में इस बात को कह रहे हैं कि ये विपक्ष वाले मुझे पत्थर ईंट मार रहे हैं। अरे सवाल ना पूछे, आप चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरनाक हो जाए, मतलब सत्ता से कोई सवाल ही ना पूछा जाए, हम आपसे किसी तरीके की कोई बात ही ना करें, तो फिर आप कहे कि बड़े प्रधानमंत्री, फिर कैसे डिफरेंट आप अपने आप को कांग्रेस से और अदर पार्टियों से अपने आप को अलहदा बताने की कोशिश पूछते हो? विपक्ष से कोई सवाल पूछता है? ठीक है, आपकी हमारी कंपटीशन हो सकती है, हमारी और आपकी जो पॉलिसियां हैं उनकी तुलनात्मक अध्ययन उनका किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ विपक्ष पे सवाल? और आपने जवाहरलाल नेहरू जी की तो कह दिया कि आप आलसी समझते थे इस देश के, आप तो कह रहे हैं ना कि आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो 85 करोड़ लोगों को क्यों आप राशन दे रहे हैं अगर आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? चलिए, बहुत से सवाल हैं। 80 करोड़ लोगों को, नाविका जी आप कल्पना नहीं कर सकती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जस्टिफाई अपनी ही बात को कर रहे हैं। और मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा, काला धन अभी नहीं आया, हम सब इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी आप तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, आजीवन हो जाओ, अमर हो जाओ, लेकिन काला धन तो लाओ, कब लाओगे आप, ये भी जनता जानना चाहती है। चलिए रुको, जरा सब्र करो। ये कह रहे थे अभी सपा के प्रवक्ता, बता रहे थे सपा के प्रवक्ता को, मैं बताता हूं वॉशिंग मशीन, देखिए ये वॉशिंग मशीन है, ये गायत्री प्रजापति दोष सिद्ध है बलात्कार में, खनन घोटाले में, इनको जो आधे मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने हटा दिया था, आपको मालूम है 5 दिन बाद वापसी हो गई और ये पैर छू रहा है मुलायम सिंह यादव जी के, और उसके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे कुछ नहीं कर पाए। एक और तस्वीर है, ये देखिए वॉशिंग मशीन, ये अतीक अहमद है, अपना कुत्ता लेके आया है, उस कुत्ते का हाथ जो मुख्यमंत्री ही रहे मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में पकड़ा रहा है। ये वॉशिंग मशीन ऐसी थी कि जो सबसे बड़ा माफिया डॉन था उसकी धुलाई हो जाती थी, और इसको सही किसने किया? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं जवाब देना चाहूंगा, ये फर्क है, इसलिए कम से कम वॉशिंग मशीन पे ना बोला करो, पूरे दामन में काले दाग है, पूरे दामन में काले दाग है, इसीलिए जनता ने नकारा है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, और टूटी साइकिल की बात करी, बड़े बेगैरत आप थे, जिस साइकिल पे चढ़ के अपर महाधिवक्ता बने उसी को तोड़ के चले गए, अच्छा नहीं लगा मुझको कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। उसी साइकिल पे आप भी सवार थे, आपके पिताजी भी सवार थे, बेगैरती इसलिए आपको है, कम से कम इस तरह तो नहीं कहना चाहिए था। अगर इतनी भ्रष्टाचार पार्टी थी तो आपको बिल्कुल आपको और आपके पिताजी को भी नहीं रहना चाहिए था, इसीलिए चले गए थे क्या?
अपर महाधिवक्ता महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश में, ओ माय गॉड, राज्यसभा सब तो ले लिया, उसके बावजूद भी आज इतनी दिक्कत है समाजवादी पार्टी से। मैं आरोप जो लगा रहा हूँ वो काले धन पे लगा रहा हूँ। मोदी जी ने आज सदन में पर्सनल अटैक है, ये पर्सनल अटैक है, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। नहीं मनोज यादव जी, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। अतीक अहमद की बात कही, गायत्री प्रजापति की बात कही, आप उसका जवाब दीजिए। मैं मुद्दे पे हूँ मैं, अरे गायत्री प्रजापति सारे प्रजापतियों पे जवाब दे रहा हूँ, मैं मुद्दे से नहीं हटता कभी। इन्होंने जिन जिन पिक्चर को दिखाया उनकी बात कर रहा हूं, इन्होंने भी किसी कुत्ते की फोटो दिखाई नेताजी ने, वो तो जानवर था उसके ऊपर हाथ रखा, मनुष्य रूपी भी कुत्तों पे हाथ रखा है जो अपनी बेगैरत से अभी भी नहीं बाज आ रहे। इसीलिए समाजवादी पार्टी को छेड़ो मत, टोटी का रोज आना आप जिक्र करते हो ना, आज बता दे रहा हूं जवाब सुन लो, उस टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से निकलेगा आपके पानी, याद रखिएगा गौरव भाटिया जी। ये बात मैं आपको टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ उसी टोटी से, क्योंकि झूठा आरोप लगाते हो। कहाँ हजारों लाखों करोड़ रुपए जो स्विस बैंक में जमा था, जो बीजेपी के नेता और नरेंद्र मोदी हर बात कहते थे। रुक तेरे को बताते, देखिए मेरे लिए इन्होंने जो भी शब्द कहे वो इनके संस्कार हैं, और हो सकता है ये यादव परिवार के छेद गिनने में बहुत एक्सपर्ट हो तो छेद गिनी है, लेकिन मैं बताता हूं कि जब दो बड़े बात करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही कूदते हैं। मेरे हाथ में क्या है, देखिए अखिलेश यादव पे जब सीबीआई ने, ये लोग कहते थे झूठा मुकदमा लगाया, उनकी गर्दन सीबीआई ने पकड़ ली मुलायम सिंह यादव की, ये देखिए नाम लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। शांत बदतमीज आदमी, जिसको ये देखिए बचाया किसने, क्लीन चिट दे दी, नाम लिखा है गौरव भाटिया, कैसे कर गए, कैसे हिम्मत कर गए इनको, वही तो मैं सवाल उठाता हूँ। एक मिनट, ऑर्डर 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 ऑर्डर, प्लीज एक दूसरे पर असंसदीय भाषा, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें। नहीं मैं तो कोई माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल बिल्कुल एक मुद्दे पर, मनोज 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 यादव जी, मनोज यादव जी बीच पे बात हो रही थी, वो कुत्ता लेके आ गए, मैं मुद्दे पे ही रहूंगा, वो कुत्ता लेके आ गए तो फिर लो कुत्ते का जवाब भी। शांत हो गए, शांत हो गए। मनोज यादव जी जब आप बोल रहे थे गौरव भाटिया, आपको मिले एक मिनट मनोज यादव जी जब आप बोल रहे थे, गौरव भाटिया जी ने आपको आपको इंटरप्ट नहीं किया था, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत दूर है। ठीक है, आपने सवाल उठाया गौरव भाटिया जी जवाब भाटिया बीच में ना बोले। लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि गौरव भाटिया विपक्ष पे आरोप लगाएंगे, गौरव भाटिया को जनता ने, देश की जनता ने इनकी सरकार को हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा ला है। ठीक है, सवाल मनोज यादव जी की उल्टी, मनोज यादव जी अगर आप सवाल उठाएंगे तो उनके पास भी हक है कोई सवाल उठाने का। अब मैं आपका फेडर डाउन, गौरव भाटिया जी 30 सेकंड जवाब दीजिए, जवाब दें जो मेरे सवाल है। धन्यवाद, 45 सेकंड दे दीजिएगा। सबसे पहले जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जी की गर्दन सीबीआई ने पकड़ी थी, यूपीए का शासन था, उनको बचाने वाला जो व्यक्ति था वो मेरे स्वर्गीय पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी थे और मैं खुद था, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसलिए पहले अपनी औकात और हैसियत जान के बात किया करो, छेद गिनने का इतने शौक है तो जाके यादव परिवार के गिनना। और सुनो, जो इंसान होते हैं ना वो बराबर से रिश्ता बनाते हैं, और तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं उनको पालतू कुत्ता बना के गले में पट्टा डाला जाता है, इसलिए चुप रहो। दूसरी बात मैं बताता हूँ, इज्जत कितनी है। मायावती ने इनको गिरगिट बुलाया, गिरगिट हमने नहीं बुलाया, ये मायावती ने बुलाया जिनके साथ आप गठबंधन में थे। अखिलेश किसने कहा, कमलनाथ ने कहा, अजय राय ने क्या कहा मालूम है, आपके साथ ही उन्होंने कहा जो बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा, और अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को कुर्सी से हटा दिया, ऐसा पुत्र कहाँ मिलेगा, ये आप मुझे बताइए। इसके बेइज्जती आपकी तब होती है जब आप लोग रेप को, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है ये बता देते। क्यों हिला डाला ना दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।